हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो फाइनली आप लोग यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट्स बोर्ड, जहाँ दोस्तों एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड 2021 की जो वैकेंसी है उसको रिलीज़ कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड आज की इस वीडियो में इसके ऊपर सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें जो है कि कितने डिपार्टमेंट में जो है कि वैकेंसियाँ निकाली गई है। दोस्तों इसको फॉर्म भरने के लिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। बट फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो है कि जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर मैं आपको यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देखें, मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है टेक जॉब, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फाइनली इस पेज पे आके सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखें, इसकी जो एप्लीकेशन ये स्टार्ट हुआ वो 5/4/2021 को स्टार्ट हुआ है। आज मैं फाइनली जो है कि वीडियोज़ बना रहा हूँ एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 25/4/2021 है। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि फॉर्म को अप्लाई करना है तो 25/4/2021 तक अप्लाई कर देना एंड इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो 21 से 27 जून के बीच में कराया जाएगा। और मैं बताता चलो, इसमें जो है कि वैकेंसियाँ 287 पोस्ट पे वैकेंसियाँ निकाली गई है, जिसमें 3 डिपार्टमेंट में इसको बांट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि मैं बताता चलूँ, 3 डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस मतलब कि ARS एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर पर निकाली गई एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET। जी हाँ दोस्तों, इन 3 डिपार्टमेंट पे अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोग बताऊँ तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप ये फॉर्म बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मास्टर डिग्री के साथ आपके पास एज लिमिट भी होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग देख रहे 21 वर्ष मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, आप यहाँ पर एज लिमिट देख लिया। यदि आप पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं अपनी वेबसाइट में यहाँ पर दिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी जानकारी है मैं यहीं से लिखा हूँ कॉपी करके, ठीक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी जानकारी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप यहाँ पर बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें सारी चीज़ें क्या। ठीक, तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इस पर ज़रूर आएँ एंड इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। ठीक है, यदि और मैं इस अपनी वेबसाइट पर जाऊं और आपको और नोटिफिकेशन आपको बताऊं तो यहां पर देखिए ऑनलाइन जो फीस है वो जो है कि जनरल के लिए 1000 रुपये है। ठीक है, ये NET, देखिए NET यदि आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए जो है कि 1000 रुपये है एंड बैकवर्ड जो है कि OBC के लिए 500 रुपये एंड SC ST के लिए 250-250 रुपये के लिए। दोस्तों NET फॉर्म के लिए मैं बता रहा हूँ एंड यदि आप जो है कि ARS एंड STO की फॉर्म भर रहे हैं तो उसका जो जनरल एंड OBC के लिए, ये जनरल ओ से OBC मैं शॉर्ट कार्ड में लिख दिया हूँ, तो OBC के लिए 500 रुपये एंड SC ST F के लिए 0 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ARS एंड STO फॉर्म भरते हैं तो आपको 0 रुपये देनी पड़ेगी SC और ST एंड ओमेन के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको शॉर्ट में मालूम हो चुकी है। चलिए अब हम फॉर्म को भरते हैं, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। सो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ या फिर पहली बार विजिट करें तो फाइनली आप आएँ यूट्यूब पर एंड यूट्यूब पर सर्च करें टेक्निकल माजिद। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल माजिद सर्च करें, उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर सब्सक्राइबर की रेड कलर की बटन होगी तो इस पर क्लिक करें एंड ये जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको फर्स्ट पोजिशन पर आल का मिलेगा, आल लिखा होगा तो इस पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप चलिए जो है कि फॉर्म को फिल कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ASRB.org.in। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर देखें लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं या फिर आप लोग देखें यहाँ पर भी स्क्रॉल करके जा रहा है, मतलब लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पर भी स्क्रॉल करके जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर स्क्रॉल करके जा रहा है तो मैं यहीं पर क्लिक करता हूँ या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देखें यहाँ पर आता हुआ स्क्रॉल करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म NET ARS STO एग्जामिनेशन 2021। तो फाइनली हमें जो ये लिंक है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप फाइनली इस पर क्लिक करेंगे तो एक जो है कि नया पेज, एक नया टैब ओपन होगा। तो मैं फाइनली ये जो चीज़ें पहले से वेबसाइट ओपन है उसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड नोटिफिकेशन, यदि आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक हेयर करके पढ़ सकते हैं। एंड पहले आपको क्या करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन के नीचे क्लिक हेयर, तो आपको पहले क्लिक हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं इसको, यहाँ पर देखिए आपको जो है कि पहले में बताया जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में ये चीज़ें क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें डिटेल फिल करनी पड़ेगी एंड जो तीसरा स्टेप होगा वो फोटो एंड सिग्नेचर का एंड उसके बाद फीस डिटेल, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आप
बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है एंड डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो फाइनली पहली बात तो हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं और हमारी डेट ऑफ बर्थ अभी फिक्स नहीं की गई क्योंकि अभी हम जो कि रजिस्ट्रेशन किए नहीं है। तो यदि आपने पहले कभी भी इस पर जो है कि आकर रजिस्ट्रेशन किया है, फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ आकर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ और पहले रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले न्यू कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आपको तीन चीज़ें, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया तीन पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है, NET, ARS एंड STU। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फाइनली यहाँ पर आप सबमिट करें। मैं ARS पर क्लिक करता हूँ एंड फाइनली सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप लोग देखें, यहाँ पर आपको टाइटल मांगा जा रहा है। तो आपको मैं दिखाता चलूँ, ARS आपका यहाँ पर अप्लाई फॉर्म पर दिख जाएगा, जिसके लिए यदि आपने NET के अप्लाई करते हैं, NET यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइटल, आप अपना टाइटल यहाँ पर देख लें, आप क्या है, डॉक्टर, मिस्टर, MSA, ठीक है, जो है आप यहाँ पर इंटर करें। फाइनली मैं मिस्टर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जो फुल नेम है वो मैं फुल नेम इंटर कर देता हूँ। मैंने इंटर किया, उसके बाद देखिए फुल नेम इन हिंदी, मतलब कि आपको अपना नाम जो है कि हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पर हिंदी कीबोर्ड भी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर पहले हिंदी टूल अपने जो है कि लैपटॉप में मेरे पास इंस्टॉल है, तो फाइनली मैं हिंदी टूल का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर जो है कि अपना नाम हिंदी में इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में नाम लिख दिया। उसके बाद आपको ऐसे ही अपने पिताजी का नाम लिखना है एंड उसके बाद हिंदी में भी नाम आपको लिखना है। देखिए मैंने इंग्लिश में लिख चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ हिंदी में लिखने। मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो फाइनली पहले से ई मेल सेलेक्ट है। उसके बाद देखिए आपको अपनी ई मेल आई डी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी ई मेल आई डी प्रोवाइड कर दी, फिर वही ई मेल आई डी आपको फिर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप फाइनली यहाँ पर इंटर करें, ठीक है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दी। तो उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, आप क्या है वो सिलेक्ट कर लें, जनरल, OBC, SC, ST, जो भी आप वो फाइनली यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दिव्यांग, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ, सिटीज़न ऑफ इंडिया यस, एंड आर यू फ्रॉम कहाँ, रूरल या फिर अर्बन, मतलब ग्रामीण या फिर शहरी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। एंड यहाँ पर देखिए मेरा एड्रेस मैंने फिल किया, तो यह फाइनली मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना एंड उसके बाद आपको अपनी सिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि अपना पिन कोड, उसके बाद स्टेट, आप किस स्टेट से रहने वाले हैं। यदि आपका यही सेम एड्रेस ये नीचे भी फिल करना है, मतलब कि तो यही आप जो है कि एड्रेस पूरा यहाँ पर नीचे भी फिल कर सकते हैं। फाइनली जो है कि ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, तो टू कॉपी करके नीचे आ जाएगा, यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी वही सेम है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद देखें ये टेलीफोन नंबर मांग रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। फाइनली मैं ये सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर एक बार आप फिर से रिव्यू कर लें कि आपको कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिव्यू कर ली हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ एंड फाइनली सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सेकंड पेज इंटर करना है। फाइनली आपको यहाँ पर देखें आपको रजिस्ट्रेशन ID मिल चुकी है, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिससे हमें लॉगिन करना होगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ये डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल की थी वो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देखें गो टू सेकंड पार्ट क्लिक हियर, तो आप इस पर क्लिक करके फाइनली जो है कि आगे का स्टेप फिल कर सकते हैं। फाइनली मैं इस पर क्लिक करता हूं, जो आगे का स्टेप वो मैं फिल करता हूं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से जो है कि लॉगिन करना है। फाइनली देखिए मैं लॉगिन नहीं, क्लिक हियर टू पर क्लिक किया, तो फाइनली मैं जो है कि सेकंड स्टेप पर आ चुका हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आप किसके लिए ARS के अप्लाई किए थे वो आ चुका है। एंड उसके बाद आप लोग देखिए डिस्प्ले एंड अप्लाइड फॉर, तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर सारी कैटेगरी दी गई है, तो ठीक है। तो आप जो कैटेगरी है वो आप फाइनली यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंटर किया, उसके बाद यहाँ पर डाटा लोडिंग प्लीज वेट का इसमें से आ रहा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आगे का, तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखें एग्जामिनेशन सेंटर, आपको अपना तीन एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस करना, आप कहाँ कहाँ पर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वाराणसी है, मैं वाराणसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरे में देखता हूँ कोई नज़दीक और, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आपके स्टेट से जो नज़दीक लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फाइनली मैं दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीन जो है कि सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखें नेम ऑफ सेंटर फॉर ARS मेंस एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पर आप जो मेंस एग्ज़ाम कहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जो है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आपको अपनी फिल करनी पड़ेगी, मतलब कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री। एंड उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर सारी पीएचडी की भी आप अपलोड कर सकते हैं। फाइनली ये जो है कि कंपलसरी नहीं, यदि आप पीएचडी किए हैं तो आप यहाँ पर अपनी सारी जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर मास्टर डिग्री ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियम दिखाया गया था, तो आपको जो है कि मास्टर डिग्री ही फिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिल करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनली मैं जो कि सबमिट कर रहा हूँ, जो कि तरीका बताता हूँ, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं एंड आप किस डिवीज़न में पास हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद आप अपने बोर्ड का नाम लिखे, तो फाइनली मैं शॉर्टकट में यूपी बोर्ड लिख देता हूँ। तो आपको जो कि पूरा नाम लिखना यूपी बोर्ड का, जो यूपी बोर्ड से आप पढ़े, मैं यहाँ पर फाइनली शॉर्टकट में लिखा हूँ। तो उसके बाद आपको अपना जो कि परसेंटेज या फिर ओजीपीए या फिर सीजीपीए में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपको जो है कि कितना परसेंटेज मिला था, ठीक है। फाइनली मैंने इंटर किया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पर डेट होती है, फाइनली वो सर्टिफिकेट डेट आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा कि आपको किस डेट में जो है कि सर्टिफिकेट जो है कि इशूज़ हुआ, मतलब पास हुए थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो फाइनली मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर की ही ऐसी आप इंटर में फर्स्ट डिवीज़न आए थे, सेकंड डिवीज़न या फिर थर्ड, वो लिखी एंड आप किस बोर्ड से पढ़े थे वो, फाइनली मैं वही लिख देता हूँ, मैंने लिखा। उसके बाद आपको कितना परसेंटेज मिला था वो आप यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट जो पास डेट है वो आपको फाइनली यहाँ पर इंटर करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन, आपको डिग्री यहाँ पर इंटर करनी पड़ेगी, मतलब ग्रेजुएशन में आप क्या किए, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, बीई, तो जो भी किए आप इस पर क्लिक करें एंड आप किस डिवीज़न से पास हुए थे वो। एंड यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन, मतलब कि आप बीटेक किस से किए थे, मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आप पास किए थे वो आप यहाँ पर जो है कि सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितना परसेंटेज मिला था, मतलब पास आउट जब हुए थे तो जैसे लास्ट ईयर का आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखना है बीटेक का, ठीक है, या फिर बीएससी की हैं तो लास्ट ईयर का फाइनली आपको लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पर किस डेट में इश्यूज हुई है, पासिंग मार्क्स, तो वो मैं फाइनली यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री जो कि कंपलसरी है, मास्टर डिग्री आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। यदि आप मास्टर डिग्री नहीं है तो फाइनली आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो मास्टर डिग्री जैसे आता है एमएससी, ठीक है, एमटेक, एमए, एमसीए, ठीक है। तो फाइनली मैं एमटेक पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके फाइनली फर्स्ट डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो आप यस पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, आप यहाँ पर किस, आपका जो ब्रांच था वो कौन सा ब्रांच था, कंप्यूटर साइंस था, इलेक्ट्रिकल्स था, जो भी था, जैसे कि हमने यहाँ पर बीटेक में लिखा है तो वैसे ही आपको अपने ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये जो है कि मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर इंक्लूड भी कर सकते हैं या उसका नंबर लिख सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी पर आता हूँ, यहाँ आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी। उसके बाद आप इस पर आए तो यहाँ पर देखिए आप मास्टर डिग्री किस स्टेट से क्लियर, मतलब कि कम्प्लीट किया वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई, आप कहाँ से सेलेक्ट जो है कि किए हैं वो मैं यहाँ पर जो है कि दिल्ली एनसीटी पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको कितना परसेंटेज बना था वो आप यहाँ पर इंटर करें एंड किस डेट में इश्यूज हुआ था वो आप यहाँ पर जो है कि इंटर कर दे फाइनली। तो मैं वही सारी डिटेल फिल कर देता हूँ, आपको ऐसे ही अपने सर्टिफिकेट पे जो डेट है आपको वही फिल करना है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिल कर दी। यदि आप पीएचडी भी किए हैं तो आप यहाँ पर जो है कि फिल कर सकते हैं, अन्यथा ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी, आप एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रिव्यू किया, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, डिक्लेरेशन पर क्लिक करता हूँ, ये चेकबॉक्स पर ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर आपको देखें ये कैप्चा मिलेगा, 6U2 फिर UFW, ठीक। मैंने ये फिल किया, उसके बाद आप फाइनल में सबमिट की बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें डाटा लोडिंग प्लीज वेट। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया था, मैंने 2012 यहाँ पर गलती से फिल कर, क्योंकि मेरा जब 2015 में जो है कि बीटेक कंप्लीट किया हूँ तो एमटेक 2 साल का होता, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आपको ध्यान देना कि आपको मास्टर डिग्री पूरी जो है कि अच्छे से फिल करनी है, कुछ भी जो है कि डाटा गलत सही नहीं फिल करना, वरना आपको जो है कि आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ, फाइनली मैं सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो डाटा अभी लोडिंग प्लीज वेट का इसमें सारा है। यदि सब कुछ सही होगा तो मैं फाइनली जो है कि नेक्स्ट स्टेप पर चला जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिखा दे रहा है कि योर सेकंड पार्ट डिटेल हैव बीन शॉर्टली सक्सेसफुली, यहाँ पर जो है कि शॉर्टली सक्सेसफुली हो चुकी है। यदि आप कुछ भी अभी भी एडिट करना चाहते हैं एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आप जो है कि थर्ड पार्ट पे आना चाहते हैं, गो टू पार्ट थर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो फाइनली मैं जो है कि थर्ड पार्ट पे आता हूँ, जो भी वहाँ पर मांगा गया मैं उसको फिल करता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए अब हमें जो है कि फ़ोटोग्राफ्स एंड जो है कि सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स की साइज़ आपको देखिए 150 के बी के अंदर होनी चाहिए, एंड वहीं अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो 80 के बी तक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें, एंड आपको यहाँ पर एक आईडी प्रूफ, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी आपके पास है वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो फाइनली जो है कि चॉइस फाइल पर क्लिक करके जो मेरा फ़ोटो है यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर फोटो को मैं ला चुका हूँ यहाँ पर देखें, एंड मैं फाइनली अपलोड के बटन पर क्लिक करूँगा। तो ये जो फोटो होगा यदि 150 के बी के अंदर आता होगा तो फाइनली ये जो है कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मेरा फोटो आ चुका है, एंड मैं जो है कि ऐसे ही जो है कि आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिग्नेचर को भी ले लिया, फाइनली अपलोड पर की बटन पर क्लिक करूँगा। तो ये भी यदि इसकी साइज़ जो है कि 60 के बी तक होगी तो ये भी यहाँ पर जो है कि अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, एंड उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो कि थर्ड वाले ऑप्शन में आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आप कौन सा आईडी प्रूफ यहाँ पर देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें, एंड उसका जो फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक। आईडी प्रूफ नंबर वो आप यहाँ पर ज़रूर इंटर करें, ठीक है। तो फाइनली मैं चॉइस फाइल पर क्लिक करता हूँ, एंड जो आधार कार्ड है उसको मैं फाइनली अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया, उसके बाद फाइनली अपलोड की बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आईडी प्रूफ नंबर मांगा जा रहा है, तो फाइनली जो आईडी प्रूफ नंबर आधार कार्ड का वही मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने इंटर किया, उसके बाद फाइनली अपलोड की बटन पर क्लिक करता हूँ। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको तीनों चीज़ अपलोड हो जाएगी उसी के बाद ये ऑप्शन गो टू पार्ट 5 और 4 पर आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए प्लीज इंश्योर दैट योर फोटोग्राफ सिग्नेचर आईडी प्रूफ आर क्लियरली विजिबल, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आप इसको जो है कि अप्लाई मतलब कि सारी चीज़ अपलोड नहीं कर सकते हैं तब तक ये जो है कि ये गो टू पार्ट 4 का ऑप्शन नहीं ओपन होगा। तो आपको ध्यान देना, आपको जो ये आधार कार्ड है या फिर जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसकी साइज़ जो है कि 800-500 से कम होनी चाहिए, आपको दे देना यहाँ पर 500 KB से फिर 500 KB होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली जो है कि मैं आगे वाले ऑप्शन में जाता हूँ, और फाइनली जो पेमेंट का ऑप्शन होता है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ जो है कि मेरी कुछ इस प्रकार से ओपन होगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं A to Z सारी चीज़, जो जो मैंने फॉर्म फिल किया है सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी A to Z सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक। मैंने जो जो एजुकेशन फिल की थी यहाँ पर देखें सारी चीज़ आ चुकी है, ठीक है। तो यदि आप कुछ भी अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो फाइनली एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आपको यही फॉर्म प्रिंट करना है, यदि आप अभी जो है कि पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो फाइनली अपने कीबोर्ड से Ctrl+P पर सिलेक्ट करें, तो फाइनली ये जो है कि डाउनलोड होना मतलब कि ये जो प्रिंट के लिए PDF फाइल में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट कहीं से जो कि प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। देखें सो एज पीडीएफ पर सिलेक्ट करना, फाइनली आपको स्विगी बटन पर क्लिक कर देना, तो ये जो चीज़ है वो शो हो जाएगी। तो आप लोग देखें कुछ इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। तो अब आपको जो है कि पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखिए, मैंने पहले बताया यदि आपको कुछ भी एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या फिर आपको एक बार देख लेना, या फिर इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप निकलवा सकते हैं। फाइनली मैं आई एग्री पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है 500 रुपये। तो आप पेमेंट कैसे करेंगे, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, UPI, ठीक। आप ये इसमें UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। फाइनली मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ, और जो है कि अब यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आपको कैंडिडेट नेम एंड एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपको यस आई एग्री एंड पे पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि आपको अपनी पेमेंट यहाँ पर रिसीव मतलब कि कटवानी पड़ेगी 500 रुपये। तो यहाँ पर देखिए आपको अपनी पेमेंट शो हो रही है, यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट जो अमाउंट होता है वो, एंड उसके बाद जो है कि होल्डर नेम आप किसके नेम से जो है कि बनी हुई है वो, या फिर अगर आप UPI का यूज़ करना चाहते हैं फाइनली UPI पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करके फाइनली वहाँ पर UPI नंबर इंटर करना पड़ेगा। UPI नंबर इंटर करने के बाद आपकी पेमेंट जो है कि सक्सेसफुली काट ली जाएगी। देखिए आप यहाँ पर UPI नंबर या फिर आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जो है कि बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप कमेंट जरूर करें, एंड लास्ट में फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा यदि आपने जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।